हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिविटी लवर्स में। कल ना मैंने इस लेडीज जैकेट के पार्ट वन देखे, इस बॉर्डर की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, लेकिन आज मैं पार्ट टू देखी ऊपर वाले इस डिज़ाइन की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये डिज़ाइन देखिए, हमारा बहुत प्यारा पैटर्न बना है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए ऐसे जितना कहो उतनी ज़्यादा ग्रेस आ रही है इसकी। बहुत सुंदर ये डिज़ाइन बना है, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। और ये बनाने में बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है इसे बनाना। देखिए इसे बनाने के लिए हमने 88 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं, और लास्ट में हमारे दो फंदे आएंगे पैटर्न को इक्वल करने के लिए। और इस बॉर्डर डिज़ाइन के लिए मैंने डाले थे 115 फंदे, और ऊपर मैंने एक फंदा बस आकर यहाँ पर कम कर दिया है। आप चाहें तो देखिए एक फंदा बढ़ाकर दोनों तरफ तीन तीन फंदे करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस एक फंदा कम कर दिया, क्योंकि एक फंदे से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने एक फंदा कम कर दिया है ताकि ये पैटर्न हमारा अच्छे से, देखिए पूरी रो वैसे ही स्मूथली जाती जाए। अब दो से स्टार्ट करती हूँ, दो पर देखिए फिनिश कर देती हूँ ऐसे। तो चलिए इसकी फर्स्ट रो देखिए उल्टी तरफ से आएगी, सीधी तरफ से देखिए। ये बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पर पूरी एक सीधी सीधी रो मैंने डाल दी है, और उल्टी तरफ से इस पैटर्न को स्टार्ट किया है। उल्टी तरफ से फर्स्ट रो आएगी इस डिज़ाइन की, तो फर्स्ट रो उल्टी तरफ से देखिए। पहले दो फंदे हमने सीधे बनाने हैं, अगर आप उतारना चाहो फंदा उतार भी सकते हो, ये आपकी मर्जी। देखिए दो फंदे पहले सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए, ये एक दो तीन चार पाँच छः फंदे देखिए उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ फिर से, एक दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे उल्टे। देखिए आपके जितने भी फंदे हैं आपने ऐसे ही डालते जाना है। दो फंदे देखिए सीधे, छः फंदे उल्टे, दो सीधे छः उल्टे, और लास्ट में आकर देखिए स्टार्टिंग की तरह आपके पास दो फंदे बचेंगे जिन्हें आपने सीधा ही बना लेना है ऐसे। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद अब आगे सेकेंड रो सीधी तरफ से देखिए। दो फंदे हम पहले वाले उधर से सीधे बनाए थे, और सीधी तरफ से इन्हें उल्टा बना लेंगे ऐसे। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये एक और ये दो, दो फंदे हमने सीधे बना लिए। दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, अब इन फंदों को देखिए एक दो, दो फंदे हमने बिना बुने उतार लिए। अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदे हमारे ये सीधे ऐसे। अब धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, ये यहाँ पर देखिए गैप के दो फंदे हैं जो मैंने उल्टे रखे हुए हैं। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इन फंदों को देखिए बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे दो फंदों को। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए, ये दो फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए, ये लास्ट के दो फंदे उल्टे। अब थर्ड रो देखिए उल्टी तरफ से, स्टार्टिंग के दो फंदे हम सीधे बना लेंगे ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक ये दो, दो फंदे उल्टे। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, देखिए इन फंदों को हमने, दो फंदों को सीधी तरफ से भी उतारा था बिना बुने, और उल्टी तरफ से भी बिना बुने उतार लेंगे। अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे, और दो फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे ऐसे। अब धागा दूसरी तरफ, दो फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, इन फंदों को बिना बुने उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, लास्ट के दो फंदे सीधे ऐसे। अब सीधी तरफ से देखिए, स्टार्टिंग के दो फंदे उल्टे बना लूंगी ऐसे। अब धागा दूसरी तरफ करूंगी। अब यहाँ पर देखिए जो फंदे हमने ये वाले दो नहीं बुने थे, है ना, तीन फंदे इधर छोड़िए, तीन इधर, छह फंदे है ना हमारे। अब ये बीच वाला देखिए, ये तीसरा फंदा है जो हमारा, ये तीसरा फंदा है ना बिना बुने हुए वाला, इसे पहले आगे से ऐसे सिलाई डालते हुए हमने
सीधा बना देना है। इसे पहले सीधा बनाया, उसके बाद देखिए ये फर्स्ट फंदे को सीधा और ये सेकंड फंदे को सीधा, इन सभी फंदों को ऐसे निकाल देंगे। देखिए ये वाला फंदा हमारा सबसे आगे चला गया। अब यहाँ पर देखिए ये तीन फंदे रह गए, इन तीन फंदों में से दो फंदों में पीछे से देखिए सिलाई डाल लेंगे, ऐसे निकालेंगे, इस फंदे को आगे से ले लेंगे पीछे देखिए लेफ्ट नीडल में, और इन दो फंदों को आगे ले आएंगे, सीधा सीधा सीधा, देखिए ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। एक तरीका तो मैंने ये वाला बताया आपको, है ना, एक तरीका और बता देती हूँ जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। देखिए तीसरे फंदे में आगे से सिलाई डाली, निकाला और इन दो फंदों को देखिए पीछे से लिया लेफ्ट नीडल में, इसे आगे ले आए ऐसे। जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है, देखिए ये पूरा मैं वैसे ही बना रही हूँ, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हो। पीछे से दो फंदों में सिलाई डाली, इस फंदे को देखिए तीसरे फंदे को यहाँ पीछे लेके आएंगे पहले फंदे को, और इन दो फंदों को हम आगे ले जाएंगे। फंदा निकल गया ऐसे, पहले हमने एक दो तीन ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये दो फंदे उल्टे, देखिए यहीं पर हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने क्या करना है, उल्टी तरफ से सेम वैसे ही देखिए दो फंदे सीधे, जो मैंने देखिए आपको फर्स्ट रो बताई है वो ही डालने हैं, दो फंदे सीधे, ये एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे उल्टे, फिर से दो फंदे सीधे छः उल्टे। और मुझे आपने कमेंट में प्लीज़ बता देना है कि इस पर मैं देखिए मोड़े की घटाई बताऊँ आपको कि ना बताऊँ पिछले पल्ले पर, ये मुझे ना कमेंट करके बता देना है आपने प्लीज़। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए अब जब आगे आगे आप पैटर्न को बनाते जाओगे ना, ये ऐसा ब्यूटीफुल पैटर्न बनने लग जाएगा। देखिए ऐसे बहुत प्यारा पैटर्न है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।